बनेगा। कितने सीट जीत रहे हो आप यहाँ पे? अरे हम तो जानते हैं कि शायद एकाखे भाग जा नहीं तो पूरे काम लोगों को, हम लोगों को बुलडोजर कुछ नहीं गया, करते करते वो चले जाएंगे लेकिन हमारे लोगों का कुछ नहीं होगा। हाँ, हम लोग भूमि पर जमीन पर चलने वाले हैं। अरे वो बाबा है, योगी है, बढ़िया योगी है तो योगी बने रहे हैं। योगी से हमसे मतलब नहीं, हमसे बहुजन समाज पार्टी से मतलब है, जो सर्व समाज को काम करती है उनको हम जानते हैं। और जी तो योगी है, जिंदा बहन कुमारी माँ रहे। हमें 2000 रुपए नहीं है चाहिए सर जी, हमें नौकरी चाहिए। हम लोग बी एम आई करके हम लोग 2000 रुपए लेके क्या करेंगे? 2000 से कई जिंदगी बिताने वाली है, 2000 से जिंदगी बिताने वाली है। प्राइवेट कंपनी में हमें क्या फायदा? कम निकाल के हमको बाहर कर दिया जाएगा, कोई पता है? हमको प्राइवेट में रखेगा कब बाहर कर देगा ये कोई पता नहीं। हमें सरकारी नौकरी चाहिए और बहन जी के सरकार में हमको सरकारी नौकरी मिलेगी, पूरा भरोसा है। नहीं, आपको सरकारी नौकरी चाहिए। योगी जी ने भी तो राम मंदिर बनवाया वहाँ पे अयोध्या में, और यहाँ पे बनारस में बनवाने को भी कह रहे हैं, मथुरा में बनवाने को कह रहे हैं। राम तो सबके हैं, राम मंदिर के नाम पे वो अपना राजनीति कर रहे हैं। राम तो मर्यादा सबके राम है, उनके अकेले तो है नहीं, उनका हम भी सम्मान करते हैं। राम मंदिर बनाने में निर्माण कराने में कोई रोका हो तो बताइए, लेकिन बहुजन समाज पार्टी तो सबका सम्मान करती है, महापुरुषों का सम्मान करती है, सर्व समाज का सम्मान करती है। इनके इनके सरकार में हम लोग सुरक्षित रहते थे। कांग्रेस भी ये कह रही है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी कह रही है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ऐसा बात नहीं है। बहन जी का शासन काल अच्छा था, इनका जो है सब कुछ अच्छा था, गरीब एकदम मस्त थे, एकदम फ्री थे। गुंडा राज तो जो है अखिलेश ने भी खत्म किया होगा। गुंडा राज कहाँ खत्म किया? गुंडा राज कहाँ खत्म किया? गुंडा तो साथ में लेके चल रहे थे अभी, और राजा भैया वहाँ के लोग कारागार मंत्री थे, बड़का गुंडा वो थे, वो कारागार मंत्री उनको बनाया गया। उनको तो अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि कुंडा की कुंडी लगा दो। अरे कुंडा का कुंडी कौन लगाया है? मान्या बहन जी ने लगाया था, मान्या बहन जी ने लगाया था, किसी का औकात नहीं था। स्वामी जी मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने, क्या लगाए राजा भैया? कहाँ कुंडा में कुंडी लगाए? ये तो बहन जी का पावर था जो कुंडा में कुंडी लगा दिए। और बहन जी को तो स्वामी प्रसाद मौर्य भी छोड़ के चले गए, भाजपा में चले गए, ऐसे बहुत सारे नेता चले गए छोड़ के। हमारी पार्टी पार्टी नहीं है, हमारी पार्टी एक मिशन है, हमारी पार्टी पाठशाला है। आप इसमें से उसमें चले गए, उससे हमारा वोट कहीं खिसकने वाला नहीं है साथी, खिसकने वाला नहीं हो। नेता जाता है, हमारा वोटर नहीं जाता है, हमारा सपोर्टर नहीं जाता है। आपको लग रहा है कि बहन जी की सरकार आएगी? बहन जी की सरकार आएगी पांचवी बार 2022 में, और दो उस बार तो कम सीट मिला था 2007 में, इस बार 250 ज्यादा सीट मिलेगा बहन। वो हिसाब ही अखबार या टीवी तो दिखा नहीं रहा, ये मीडिया तो मीडिया, आप तो जानते हैं मानवर कांसीराम साहब के जमाने से कहते थे आप मीडिया पे भरोसा मत करिए, माउथ मीडिया पे भरोसा करिए। हम लोग माउथ मीडिया पे भरोसा करते हैं, माउथ मीडिया हमारा है, ये सब माउथ मीडिया है। बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जिंदाबाद, बाबा साहब अमर रहे, ये हमारा माउथ मीडिया हमको भरोसा दिलाता है। आप कितने सीट जीत रहे हैं? मैं 250 के पार सीट दूंगा बहन जी को, 250 के पार, 250 के पार। अमित शाह भी कह रहे हैं कि हम 300 के पार जा रहे हैं। अमित शाह तो पूरा का पूरा झूठ बोलता है, पूरा का पूरा झूठ बोलता है अमित शाह। और जो भाजपा का जो मैनिफेस्टो है वो ये कहेंगे, कह रहे हैं कि जब आपके सरकार बनेगी यूपी में वो लड़कियों को फ्री स्कूटी देंगे और किसानों को जो फ्री बिजली देंगे, तो आपको ये नहीं चाहिए क्या? बिजली पानी हर और ये राशन चाहे जिसकी सरकार रही हो सब में मिलता था, बिजली पानी और राशन सब सरकार में मिलता था। आज आज हमारा 35 किलो राशन मिलता था बीपीएल पे, आज लोगों को 5 किलो देकर चुतिया बना रहे हैं, सर चुतिया बना रहे हैं। ये किस लिए दिया जाए? बाबा साहब संविधान ना होता? संविधान को तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि वो रक्षा करेंगे। अरे रक्षा क्या, कोई संविधान के बारे में कोई काम कर नहीं रहा है नेता जो करेंगे, तो वो तो खुद संविधान की बाबा साहब की फोटो लगा रहे हैं अखिलेश यादव। ये तो नाटक है लोगों को भरमाने के लिए। मोदी जी बोलते हैं कि बाबा साहब नहीं होते तो हम प्रधानमंत्री नहीं होते, और बाबा साहब के संविधान को कितना देख लीजिए संशोधित कर रहे हैं केंद्र में बैठ के मोदी जी, और कहते हैं कि बाबा साहब नहीं होते तो हम बैकवर्ड को प्रधानमंत्री नहीं बनते। अब बाबा साहब के संविधान को संशोधित कर रहा है तो ये बाबा साहब इतना डिग्री है मोदी के पास? कौन नेता के पास बाबा साहब इतना डिग्री है? वो संविधान संशोधित कर रहे हैं लोग, छेड़खानी कर रहे हैं लोग, संविधान के खिलाफ काम कर रहे हैं लोग। तो संविधान के पक्ष में संविधानिक काम ये योगी जी नहीं कर रहे हैं? योगी जी भी कोई नहीं कर रहा है, बस नाम ले रहा है संविधान का। ये जो है ये लोग
बस घृणा है। ये लोग जैसे लोगों में छिटपुट करते हैं लोग, नहीं तो बाबा साहब इतना कौन, न मोदी के पास डिग्री है, न योगी के पास डिग्री है, न अमित शाह के पास डिग्री है, और किसके पास डिग्री है बाबा साहब इतना, वो संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं। तुम्हारी मां की जिंदाबाद। आप ये झंडा लेकर आए हो, झंडा में बहुत मोटा डंडा भी है, तो ये झंडे में डंडा क्यों लेकर आए हो? ये हमारा, मैं पैर से भी कमजोर हूँ, झंडा और डंडा तो हर जगह झगड़ा करते हैं, मारते हैं लोग, जबरदस्ती करते हैं। हम लोग बहुजन समाज पार्टी बाम जन से जुड़े हुए हैं, हम बाम जन से जुड़े हैं, मानवल साथ ठहरे हुए हैं, कांसी और बहन जी से जेल में मिलाए नहीं मिलाई। तो आपके 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 आपकी ये डंडा क्या रक्षा करेगा? योगी जी बुलडोजर चलवा देंगे आपके घर पे। बुलडोजर कुछ नहीं करेगा हम लोगों को, हम लोगों का बुलडोजर कुछ नहीं क्या करते करते वो चले जाएंगे, लेकिन हमारे लोगों का कुछ नहीं होगा। हाँ, हम लोग भूमि पर जमीन पर चलने वाले हैं। अरे वो बाबा हैं, योगी हैं, बढ़िया योगी है तो योगी बने रहे, योगी से हमसे मतलब नहीं, हमसे बहुजन समाज पार्टी से मतलब है, जो सर्व समाज को काम करती है उनको हम जानते हैं, और मोदी तो योगी है। जिंदा बहन कुमारी माँ से बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। आपकी उम्र कितनी है? अरे हमारे 70 की उम्र हो गई है। 70 के हो गई? तो आप जो है पहले कांशीराम जी के साथ भी आप कहीं सुना था उनको? हम ठहरे थे खुद साथ साथ ठहरे हैं। अच्छा। हाँ काफी ठहरे हैं, काफी ठहरे हो। बांध सेठ से जुड़े हुए हैं। अच्छा। उनके कार्यालय में करोल बाग दिल्ली में 8 रोज छुट्टी लेकर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मंगलू राम लाठी वाले। मंगलू राम लाठी वाले, अच्छा वेरी गुड। आपको मगरोलाम जो कांशीराम जी के साथ के लोग थे, वो तो सब छोड़ के चले गए उनको? नहीं छोड़ के नहीं गए हैं, सब लगे हुए हैं, अपने हस्तर से लगे हुए हैं। ये तो कहने वाले कहा छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए। अगर छोड़ के जाने वाले थे तो हम बांध से बनी थी तब से जुड़े हुए हैं, उसके बाद डीएस पर बनी है, बहुजन समाज पार्टी बनी है। तो मानवर साहब को नैनी में मंदिरा पासी कांटा पर तौल दिए थे, सिक्के से डेढ़ बोरा सिक्का दे, कांशीराम से उठ गए थे। बहुत कांशीराम बहुत संघर्ष किए हैं, हम लोग बाबा साहब अम्बेडकर का उनका नाटक किए थे, घर घर से रोटी लेकर उनका सम्मान किए थे नैनी के अंदर। और साहब न हम लोग पढ़ने वाले हैं, अब भरत में पढ़ने वाले नहीं है। आप लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी ब्राह्मणवादी पार्टी हो गई है, ये सर्व समाज पार्टी है, ब्राह्मणवादी नहीं, सर्व समाज पार्टी है, सबका हित करने वाली है, सबको अधिकार देने वाली है। ये सफाई कर्मी में भर्ती हुई है, सफाई कर्मी में बताइए कौन जात नहीं भर्ती हुआ है? हाँ सब जात भर्ती हुए हैं। लोग तो ये कह रहे हैं कि बहन जी ने सिर्फ पत्थर लगाए हैं उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश में हम लोग बनवाए हैं, हम लोग चंदा दिए बाम सेफ से अपना इतिहास कायम करने के लिए, कि हमारा इतिहास काम करिए ताकि लोग आवे लखनऊ के अंदर और देखें अपने इतिहास को, जानकारी रखे कि हमारा इतिहास क्या है। तो आपका मतलब है कि पत्थर जो लगे वो इतिहास की जानकारी? वो पत्थर नहीं है, वो निशान है, हम लोगों का निशान है, पहचान है, हम लोगों का पहचान है। और ये पत्थर पत्थर चिल्लाते हैं जिनको बुरा लग रहा है, जो चाहते हैं कि हमारा राज नहीं चलेगा, अब ये छोटे लोगों की राज चलेगी, हसर समाज का राज होने वाला है, इसलिए बुराई बतियाते हैं। हम लोगों का अब ये भ्रम में पड़ने वाले नहीं है। जो ऐसे समाज के, जो बहुजन समाज के लोग हैं, जो बहन जी को छोड़ के अखिलेश के साथ कह रहे हैं कि वो रक्षा करेंगे, उनके बारे में क्या कहना? अरे वो लालची आदमी है, ये स्वार्थी लोग हैं, ये स्वामी प्रसाद मौर्य ये हमारे सामने जुड़े थे, स्वामी प्रसाद मौर्य तो ये कह रहे हैं कि बहन जी को मुख्यमंत्री उन्होंने बनवाया। अरे वो क्या बनवाया, वो तो इधर उधर चालाकी करने वाले हैं, उनको केशव प्रसाद को भी मुख्यमंत्री बनाने गए थे। हाँ जी, क्या हुआ, क्यों नहीं बनाया? उनका काम यही है, जो लालच में हो वो इधर से उधर उधर से इधर भागते रहेंगे, वो अपना अपना राजनीति खर्चा कर रहे हैं, अपना पेट भरना चाहते हैं और समाज को नहीं देखना चाहते। कांशीराम जी की जो आप कांशीराम जी के भी साथ रहे, उनकी विचारधारा जुड़े, क्या बहुजन समाज पार्टी आज भी आपको लगता है कि उसी विचारधारा पे काम कर रही है? हाँ कर रही है। कैसे काम कर रही है? सब चीज देखिए, सब अगर कर नहीं रहती तो इतनी जनता आती कैसे, इनके मन कैसे साफ है, ये लोग जुटे क्यों है? इसीलिए हम लोग पैदल चलने वाले हैं, हम लोग पैदल चलने वाले, ये नहीं कि पैसा दे दो तब आओ,
पैसा दे देते हो, हम लोग पैसे के लालच में। कहीं ऐसा तो नहीं है सब भीड़ पैसे पाई हो? नहीं जी, नहीं जी, हम लोग अपने कार्यकर्ता लोग मेहनत से आए हैं, हम खुद मेहनत से आए, हम कैसे दूसरे को जानेंगे। 70 साल की उम्र वाले हम जब ऐसे चलने वाले हैं, ये लोग तो नौसेवक हैं, ये लोग कैसे ऐसे ऐसा करेंगे। आपने वाम सेप में और बहुजन समाज पार्टी में आप कितने समय जुड़े, कितना समय होगा? अरे हम तो भाई, हम 72 के बाद, नहीं नहीं 85 पार्टी बनी है, ये पार्टी 85 बनी है, 70 से हम लोग जुड़े हुए हैं। 1970 से जुड़े। एक बार नाम और बताओ अपना दोबारा से। मंगरू राम राठी वाले। बहन जी से जब जेल में बंद थे, लाखा साहब का बॉडी गार्ड थे, बहन जी से मिलाई किए थे, बहन जी जब जेल से छुट्टी तो उनको रहने के लिए व्यवस्था किया गया था लाल बंगले में, तो हमने कैसे खड़े थे, बहन जी हमारे सामने से खड़ी हुई, कहे आप हमारे सुरक्षक खड़ा हो, हम कहा हाँ बहन जी। उसके बाद बहन जी गए जहाँ रहना था उनको, बिहार सुबह हम लोग फिर गए उनको स्टेशन छोड़ने के लिए। हाँ बहन जी, तभी से मैं लाठी वाले, लाठी तो पहले लिए थे, लेकिन वही से समय से मैं लाठी वाले नाम अपना। समाज के सम्मान में बहन जी मैदान में, समाज के सम्मान जी मैदान में। आपको लग रहा है 2022 में बहुजन समाज पार्टी सत्ता? बिल्कुल 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 बने। कितने सीट जीत रहे हो आप यहाँ पे? अरे हम तो जानते हैं कि शायद एकाखे भाग जाए, भाग जाना है तुम पूरे से।